झारखंड की उपराजधानी दुमका में 6 मई को झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से एक बैठक रखी गई है, जिसमें 2400 जिलों के अभ्यर्थी शरीक होंगे। आप सभी को जानकारी दे दें कि इससे पहले झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति कई बार तैयार की गई और रणनीति के तहत तमाम जो कार्य है वो यहां पर किए जा रहे हैं। इससे पहले 60-40 नए चलतों के नारे के साथ झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान झारखंड के अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे और तय तारीख के अनुसार 23 मार्च को झारखंड के अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। हजारों की संख्या में अलग अलग जिले से अभ्यर्थी जो है वो विधानसभा के समक्ष पहुंचे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए, कई अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज भी की गई, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना था कि आने वाले समय में हम लोग आंदोलन को तेजी देंगे। और उसी प्रकार 17, 18 और 19 को झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से एक बार फिर से रणनीति तैयार की गई थी कि 17 अप्रैल को झारखंड के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे और तय तारीख के अनुसार 17 अप्रैल को हजारों की संख्या में तमाम जो अभ्यर्थी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें काके रोड के समक्ष रोक दिया गया और कई अभ्यर्थियों को डिटेन कर कैंप जेल ले जाया गया। लेकिन अभ्यर्थियों का उस वक्त भी कहना था कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिलेगा। 18 तारीख को मशाल जुलूस में भी लगभग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अल्बर्ट टेका चौक के समक्ष एकत्रित हुए थे और उनका कहना था कि झारखंड झारखंडियों के लिए और झारखंड में बाहरियों की नीति नहीं चलेगी। इसमें बाहरी नीति इसलिए झारखंड के अभ्यर्थी बोल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की अभ्यर्थियों से राय और सुझाव मांग रहे थे कि आखिर सरकार को किस तरीके की नीति बनानी चाहिए जो आगे जाकर वो ना फंसे, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे थे। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2016 से पहले की नीति का जिक्र किया था, 2016 से पहले की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि 50% झारखंड वासियों के लिए और 50% गैर झारखंड वासियों के लिए। ईडब्ल्यूएस के बाद वो 60 और 40 का रेशियो हो गया, यानी कि 40% ओपन फॉर ऑल हो गया, जिसके बाद झारखंड के अभ्यर्थी यही बोलते हुए नजर आ रहे कि झारखंड झारखंडियों के लिए और 40% जो ओपन फॉर ऑल है वो हम नहीं होने देंगे। उसके बाद सरकार की ओर से लगातार कई दावे भी किए गए कि झारखंड झारखंडियों के लिए और झारखंड में नीति सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए ही बनाई जाएगी, झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। लेकिन दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है, सरकार बोलती कुछ और है करती कुछ और है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें ओपन फॉर ऑल था। अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार एक और दावा कर रही है कि नई नियोजन नीति लोगों के समक्ष आ जाएगी, वो भी झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में होगी, तो आखिर सरकार ये किस तरीके का विज्ञापन निकाल रही है। जेएसएससी की ओर से भी 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उसको लेकर भी झारखंड के अभ्यर्थी बवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें ओपन फॉर ऑल है और अब जो 10 कैलेंडर जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है परीक्षाओं का, उसको लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल है कि क्या इसमें भी ओपन फॉर ऑल रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्रियों का यही कहना है कि 60 और 40 के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, अभ्यर्थी इसको समझे, 60-40 में भी 40% ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति होगी। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है, सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है। 60-40 नए चलतों के नारे के साथ झारखंड के अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन को तेजी देंगे और इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि दुमका में जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हॉस्टल में बैठकर बैठक करते थे, वही हॉस्टल में झारखंड के अभ्यर्थी भी बैठकर एक रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से अब आंदोलन को आगे लेकर जाए, क्योंकि इससे पहले भी 60-40 नीति के खिलाफ अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, कई बार आंदोलन भी देखने को मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन नतीजा ऐसा होता है कि कभी वो जो नियुक्ति है वो रद्द हो जाती है, कभी वो कोर्ट के मामले में फंस जाता है। इन तमाम चीज़ों से झारखंड के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, जिसको लेकर आए दिन एक बैठक रखी जाती है, आए दिन रणनीति तैयार की जाती है और उसी तहत एक बार फिर से रणनीति तैयार की जाएगी, बैठक रखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अभ्यर्थी अब किस तरीके से रणनीति तैयार करेंगे, क्या इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभ्यर्थियों का दर्द समझेंगे, तमाम सवाल फिलहाल सवाल है। लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से जो भी रणनीति तैयार की जाएगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि रणनीति के तहत क्या क्या मुद्दा अभ्यर्थियों की ओर से रखा जाएगा, लेकिन ये तो तय है नियोजन नीति को लेकर अभ्यर्थी रणनीति तैयार करेंगे और कहा जा सकता है कि 1932 को भी लेकर एक आंदोलन देखने को मिल रहा है। कई जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब 1932
1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर पहल की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप सभी को बता देंगे कि ओबीसी आरक्षण को भी लेकर तमाम जो अभ्यर्थी वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। रोस्टर आरक्षण के बाद कई जिला शून्य हो गया है, जिससे अभ्यर्थी है उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि ऐसा अगर सरकार करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, बाहर पलायन करने पर हम मजबूर हैं। तो सरकार को इस दिशा में भी कुछ पहल करनी चाहिए ताकि झारखंड के अभ्यर्थी झारखंड में ही रहे और झारखंड में ही उन्हें नौकरी मिले। अब देखने वाली बात होगी कि 6 मई को क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।